सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। पाकिस्तान पर होगा सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान को कर देंगे तबाह, पाकिस्तान के अंदर घुस के हम बमबारी कर देंगे। जी हां, पाकिस्तान के नाम और निशान मिटा देंगे। ये सारी बातें इसलिए सुनने में आएंगी दोस्तों क्योंकि अभी चुनाव है और जीतना ही है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए है। जितना भी उन्होंने प्रचार किया सारा भ्रष्ट हो गया। कोरोना में देख लिया कि फर्जी वैक्सीनेशन हुआ, कितने लोग मारे गए कोरोना में, कितने लोग मर के नदियों में बहा दिए गए और उनकी लाश को भी समंदर ने अंदर लेने से मना कर दिया कि ना 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 ना, ये तो दिखना चाहिए, ये तो विकास है, योगी जी और मोदी जी का विकास है। समंदर ने कह दिया भाई साहब हम योगी जी और मोदी जी का विकास छुपाएंगे नहीं, ये पिचका के बाहर फेंक दिया। हाँ, ऐसे बौछार मार के सारी लाशों को बाहर भेज दिया, देख सकते हैं ये तस्वीरों को कोई भूल नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, ये तो कोई भूलेगा नहीं। अब आप जानते हैं कि भाजपा थक गई हिंदू मुसलमान करते करते, ये भी एक चल रहा है किसानों को मारते मारते भी जो है, अभी फिलहाल तो अभी किसानों को मारना है उसको। और बहरहाल हर मुद्दे पर भाजपा एकदम सामने से क्लियर सबको समझ में आ गई कि भाजपा किसी की नहीं है, सिर्फ अपनी है, अपने मतलब की है, देश की भी नहीं है। दोस्तों अब आप ये जान लीजिए कि ऐसे में चुनाव जीतना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में बीजेपी पाकिस्तान के नाम के बिना कैसे जीत सकती है। हाँ, तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ऐलान कर दिया है किसने, माननीय अमित शाह जी ने। लेकिन मुझे समझ में यह नहीं आता है, एज अ इंडियन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान का नाम आता है तो सर्जिकल स्ट्राइक और फर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन चीन का नाम आता है तो बैठ के बात करेंगे, हाँ वार्ता करेंगे। अरे नौ नौ दस दस मरतबा बात कर लिया, अरे ग्यारह ग्यारह मरतबा चीन से बात कर ली, ला लाख दिखाएंगे, एक के बदले सौ सर लेके आएंगे। अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ हमारे माथे पे कुछ लिखा है, बेवकूफ है, जनता को बनाए चले जाओ, फर्जी ऐड करवाए चले जाओ। गांधी जयंती की ऐड में गांधी जी का फोटो नहीं, मोदी जी का फोटो, मतलब जिस चीज का ऐड हो रहा है उस ब्रांड का नाम नहीं है, उस ब्रांड की फोटो नहीं है, मोदी जी का फोटो है। ऐसी खतरनाक, मतलब क्या ही ब्रांडिंग कहूं, मोदी जी की वजह से सारे भाजपाइयों को कैमरे से मोहब्बत हो गई है। यानी आप अब ये भी देख लीजिए तस्वीरों में कि बजाय भगवान की आरती उतारने के कैमरे की तरफ करके, आ हा हा, यह है पीआर टीम किसकी, भाजपा की। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जीतना है चुनाव तो पाकिस्तान के साथ भिड़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों मैंने पिछले तीन चार महीने पहले ही कह दिया था कि चुनाव आने वाले हैं, आतंकी घटनाएं बढ़ने लगेंगी, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ एकदम से बढ़ जाएगी, जगह जगह पर आतंकी पकड़े जाएंगे और बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट को विफल कर दिया जाएगा, और हो सकता है एकाध हो भी जाए, पुलवामा कौन नहीं जानता। 10 ग्राम किसी के लेंस के किट के अंदर से चरस निकल जाए तो एनसीबी को पता चल जाता है, अंधभक्तों को पता होता है, भाजपाइयों को पता होता है, लेकिन चीन कहां से कब घुस के भारतीय जवानों को घायल करके निकल जाता है, भारत की जमीन पर कब्जा कर लेता है, चड्डी वालों को पता नहीं चलता, क्योंकि चड्डी वाले चीन के नाम से पैंट में चिरक देते हैं। बहरहाल दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि इस बयान के बाद पाकिस्तान भड़क गया। पाकिस्तान ने सीधा सीधा कह दिया कि ये तो भड़काऊ बात है, लेकिन आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने आगे ये भी कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों हमारे अभिनंदन, भारतीय सेना के जवान वहां गिरे, किसी भी तरह से गिरे, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि चाय मुझको भी पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी चाय लवर हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पाकिस्तान में जाके चाय पीऊं। बहरहाल दोस्तों अब मेन बात यह है कि अभिनंदन के कांड के बाद, अभिनंदन के वहां भारतीय आर्मी के गिरने के बाद पाकिस्तानी हमेशा भारत का मजाक बनाते आए हैं, इसके बावजूद अगर इतना ही बीजेपी वालों को है खुजली तो पहले से अटैक कर देते। लेकिन दोस्तों
क्या है ना, उधर के लोग लड़ना चाहते हैं ना इधर के लोग लड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ गंदी राजनीति है जो दो देशों के बीच में आग लगवा रही है, क्योंकि बिना आग के ना उधर के लोग जीत सकते हैं ना इधर के, बीजेपी तो जीत ही नहीं सकती। बहरहाल दोस्तों, अब पाकिस्तान ने कह दिया कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहरहाल अब ये भी एक तरफ रख दीजिए। अब मेन बात तो ये है कि जहां भारत रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लेने वाला है, और बहुत ही ताकतवर ये S-400 डिफेंस सिस्टम, आप जानते हैं, कोई बताने की जरूरत है नहीं, और इसको चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत तैनात करने की तैयारी में था, खासकर चीन के खिलाफ। इधर अभी हम इंतजार कर रहे हैं, उधर से चीन ने अपना डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को सौंप दिया। पाकिस्तान भी ससुरा एकदम बहुत तेजी में, उसने फौरन तैनात कर दिया, मतलब ऑपरेशनल है सिस्टम। ऐसा नहीं है कि वो आज लेके आए हैं तो पहले 30 दिन रिचार्ज करेंगे उसको, बैटरी लगा के चार्ज करेंगे, और फिर जो है उसके बाद जो है उसको ऐलान करेंगे, फिर उसके बाद उसको जो इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको कहेंगे हाँ जी, नहीं है, सीधा ऑपरेशनल है वो। अब आप समझ लीजिए कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान को चीन ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है, पाकिस्तान ने उसको अपनी आर्मी में, अपनी सेना में तैनात कर लिया है। और जाहिर सी बात है, आपको कागज़ पर लिख के देने की ज़रूरत नहीं है कि वो डिफेंस सिस्टम किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इस डिफेंस सिस्टम के रेंज में रिपोर्ट के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर आता है, ये एक बड़ी बात है। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलता हूं तो अनभक्तों की चड्डी पीछे से फट जाती है और उनको लगता है कि मैं पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूं। ससुरों को यही समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमको कितना बहकाया जा रहा है, हकीकत कुछ और है और आप तुमको झूठ बहकाया जा रहा है। तुम भी जिस चरपाई पे लेट कर सिर्फ 1 रुपये का ट्वीट रीट्वीट करते हो और कॉपी पेस्ट करते हो, एक दिन याद रखना जिस चारपाई पे लेटे हो तुम्हें खुद एक दिन एहसास होगा कि वो चारपाई भी गिरवी रख दी गई है बीजेपी के द्वारा, और जिस जमीन पर वो चारपाई थी वो ऑलरेडी जो है रिलायंस वालों को दे दी गई है। बहरहाल दोस्तों, मेन अब बात ये है कि 100 किलोमीटर की रेंज में HQ-9 ये अब पाकिस्तान का नया एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी फाइटर जेट को और किसी भी मिसाइल को, किसी भी सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। याद रखिएगा 100 किलोमीटर। इसके अलावा गूगल कीजिए, खुद पिक कर लीजिए, या इतना टाइम हमारे पास है नहीं ना, आप सुनना चाहते हैं और हम ज़्यादा बोलेंगे तो पहले से ही सच बोलने पर मैं पाकिस्तानी कह दिया जाता है, तो बहरहाल हम इस पर नहीं बोलेंगे। अब मेन बात एक और सुन लीजिए। आपको अभी याद होगा चीन और भारत के सेना के बीच में झड़प हुई थी 1 साल पहले, हाँ, गलवान घाटी याद है, हाँ। अब जाकर 1-1.5 साल बाद चीन ने उसकी फुटेज जारी की है, ये तस्वीरें अपनी बटन जैसी आंखों से ध्यान से देखिए। भारतीय सेना इसमें बुरी तरह से जख्मी नजर आ रही है। अब मैं क्या ही कहूं, दुश्मन अब इस तस्वीरों के मजे नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा। बहरहाल अब ये आपने वीडियो देखा है, अब ये देखिए और ये याद कीजिए कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और भगवान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया से झूठ बोला। ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे जमीन पर कब्जा। राजनाथ सिंह ने कई बार आके ये बात कही कि दोनों देशों के बीच में मामला बिल्कुल नॉर्मल है, हालात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन झूठ खुलता है किस न किसी दिन, उसके बाद अब दुनिया के सामने झूठ आ गया। तस्वीरें देखिए दोस्तों, अब ये फोटोज भी देख लीजिए, ये भारतीय सेना की तस्वीरें खुद जारी करी है किसने, हाँ, चीन ने। अब इससे किसका झूठ खुलता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दिल गवारा करें। और सच में अगर आप भारतीय हो तो इस रिपोर्ट को शेयर करना ताकि बीजेपी का गंदा झूठ खुल जाए। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भाजपा के आईटी सेल वाले हैं, इनके मुंह पर गीला जूता पड़े, एक के बदले 100 सर लाएंगे। चड्डी गैंग कहाँ गई इनकी, भेजो, नहीं चड्डी गैंग जाएगी नहीं, अभी चड्डी फट गई, इसको सिल रही होगी बैठ के, कहाँ गए हैं बक, नजर नहीं आ रहे, ओहो कुछ जरूरी काम कर रहे होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, राय कमेंट में दीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।